Hey guys, welcome to the last week of my 20-week transformation like a Hrithik Roshan body. और ये हमारा सबसे चीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिलहाल मैं अपने लास्ट डे तक अपना पीक कंडीशन ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी इस हफ्ते मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी क्या डाइटिंग स्ट्रेटेजी, क्या वर्कआउट स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ, क्या ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना ज़रूरी होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा, ये किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर डे के लिए ही कर रहे हैं। ये आपका किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ज़रूरी चीज़ नहीं होता है। तो फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ अपने जन्नत में। यहाँ पे एक गलती जो लोग करते हैं, इसको जब करते हैं वो सोचते हैं कि लैट पुल डाउन है, लेकिन वो लैट पुल डाउन एक्चुअली लगा नहीं रहे होते हैं। गलती क्या करते हैं कि अपने बैक को इस तरह से वो आर्च करते हैं। जो बैक को इस तरह से आर्च करते हो, अगर सेम मूवमेंट में सामने से बैठ के दिखाऊं, कुछ ये मूवमेंट हो रहा है। सर, आप ध्यान से देखेंगे, ये लैट कम, आपके दूसरे मसल्स जैसे कि आपके रोमबॉइड्स और आपके रियर डेल्ट, वो ज़्यादा टारगेट होता है। यानी बेसिकली आप अपने अपर बैक को टारगेट कर रहे हैं। सो जो मूवमेंट है वो ये नहीं है, बल्कि कीप द स्पाइन न्यूट्रल, एब्स को एंगेज करना और एल्बो सामने। सो ये इज मोर लैट्स, नॉट दिस। वर्कआउट का बताता हूँ क्या सीन है अभी फिलहाल। अभी मैं फिलहाल हाई रेप रेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे कि ये एक चला आ रहा है कि कटिंग में आपको हाई रेप करना चाहिए, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। आप जो भी कर रहे हो आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। मैं हाई रेप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी मेरी कोशिश है कि मैं अपना ग्लाइकोजन लेवल जो मेरी बॉडी में है, जितना हो सके मैं उसको डिप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो जब आपके सेट्स 10 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर जाते हैं, तो आपकी बॉडी ATP से छोड़कर ज़्यादा ग्लाइकोजन लेवल पे डिपेंडेंट होने लगती है। तो फिलहाल मेरा अभी कोशिश यही है कि ग्लाइकोजन डिप्लीट करूं। तो वर्कआउट के बाद अभी सीधा घर चलते हैं। घर का मेरा आज का जो रूटीन होगा वो वही सेम होगा। मैं लगभग वही खा रहा हूं जो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग किस तरह से रहती है। लेकिन आजकल मैं अपना सोडियम इनटेक मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है। यानी शाम को मैं छत पे वॉक करता हूं, और वॉक करने के बाद आकर मैं थोड़ा सा नमक पानी में डाल के पीता हूं। यहां पे क्या है, मैं सोडियम को ज़्यादा इनटेक कर रहा हूं, जिससे मेरी बॉडी वाटर होल्ड करती है। तो स्किन के नीचे जो वाटर होल्ड होता है वो ज़्यादा होता है। एंड में क्या करूँगा, मैं सोडियम इनटेक अपना बिल्कुल कम कर दूंगा, ताकि वाटर सारा फ्लश हो जाए। तो जब वाटर को फ्लश करना है, उससे पहले जितना पॉसिबल है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ जो हम ग्लाइकोजन के साथ कर रहे थे, लेकिन उल्टा कर रहे थे। ग्लाइकोजन में सबसे पहले हम खाली कर रहे हैं, एंड में उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। लेकिन सोडियम के केस में हम पहले उसको लोड कर रहे हैं सोडियम को, और एंड में सोडियम को खाली करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से वाटर जो स्किन के नीचे है वो फ्लश आउट हो जाए, और डेफिनेशन और वस्कुलरिटी ज़्यादा अच्छे से निखर कर आए। अब सीधा घर पे चलते हैं, और मैं आपको अब सीधा मिलता हूँ अपने कार्ब लोडिंग वाले दिन, जहाँ पे मैं अपने बहुत सारे कार्ब इंटेक करने वाला हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना कार्ब इंटेक करने वाला हूँ, और किस तरीके से घर के ही खाने में मैं ज़्यादा अपना कार्ब इंटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई फैंसी ओट्स वगैरह उस तरह की चीज़ों को मैं नहीं ले रहा हूँ। हालांकि ओट्स वगैरह इतना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो कोशिश है, जैसे कि आपको पता है कि घर के ही खाने में एक चीपेस्ट बजट में जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सी यू ऑन कार्ब लोडिंग डे। ओके, सो वेलकम टू द कार्ब लोडिंग डे। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मेंटेनेंस कैलोरीज में रहकर ही। तो मैंने प्लान किया है, आज का जो मेरा कार्ब टारगेट होगा वो 300 ग्राम होगा, और जो प्रोटीन इनटेक करीब 100 ग्राम, उसको थोड़ा सा मैंने कम करा क्योंकि कार्ब ऊपर है। फैट को मैं मिनिमल, यानी 22.22 ग्राम टू बी स्पेसिफिक, वो रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरा कोई मील ऑलरेडी प्लान्ड नहीं होता है, जो घर में ऑलरेडी बनता है, उस हिसाब से मैं अपने आप को अरेंज करता हूँ कि भाई किस
तरह से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो मैंने ये 300 ग्राम कार्ब टारगेट को पहुँचने के लिए ये डिसाइड किया था कि हर मील में ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में दो दो रोटियाँ लूँगा, जिससे मेरी 6 रोटियाँ बन जाएगी। और अगर मैं एक रोटी का 100 कैलोरीज मानता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटी से यहाँ पे 600 कैलोरीज आ गए, जो मेरा टोटल गोल था 1200 कैलोरीज कार्ब्स में से। बाकी 600 कैलोरीज मेरी वेजिटेबल्स सब्जी इनमें से आ जाएगा, और मैंने कुछ स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ के रखा हुआ है इन केस घर में कुछ अच्छा बन जाता है, तो आज के दिन में मैं वो भी खाने की कोशिश करूंगा। एंड लकीली पापा आज कुछ बना ही रहे, सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा जगह बचा के रखा हुआ है, वो मैं खाने की कोशिश करूंगा। और जब मैं ब्रेकफास्ट करने गया तो मैंने देखा ब्रेकफास्ट में आज रोटी नहीं है या फिर कुछ और नहीं है, आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना पड़ेगा। ब्रेड बहुत रेयरली हमारे घर में ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं, तो हाँ जैसे कि मैंने बताया कि चीपेस्ट बजट है जो भी घर में है उस हिसाब से कैसे मैनेज करना है, तो मैंने रोटी को भूल कर ब्रेकफास्ट में अपना ब्रेड को इंक्लूड करा। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं कार्ब लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मसल को फुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कार्ब डिप्लेशन नहीं चाहता। सो इसको फेवर करने के लिए मैं किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को आज अवॉइड करूँगा, इसलिए मैं आज वर्कआउट तक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं जो एक्स्ट्रा वाटर इनटेक कर रहा था ताकि मेरी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सके, और एंड में जब मैं वाटर को कम करूँगा मेरी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को फ्लश कर सके, क्योंकि साथ साथ मैं अपना सोडियम इंटेक भी कम कर रहा हूँ। सो ओवरऑल आपकी ये कोशिश है कि मसल को बड़ा से बड़ा दिखाना है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन को फिल कर एंड स्किन को जितना हो सके पतली दिखानी है, ताकि आपका वेस्कुलरिटी, आपकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा निखर कर आए। सो दैट्स इट, पूरे दिन का मील दिखा के वीडियो की लेंथ में लंबी नहीं करना चाहूंगा, मैंने आपको पूरा ब्रीफ दे दिया। दो दो रोटी लेने की कोशिश करूंगा, कुछ भी प्लान में चेंज आया तो उस हिसाब से, अगर ज़्यादा कार्ब्स हो रहे होंगे तो मैं रोटी कम कर दूंगा, अगर कार्ब्स कम पड़ रहे होंगे तो मैं रोटी बढ़ा दूंगा, या फिर जो चिवड़ा होता है जिसको हम इंग्लिश में राइस फ्लेक्स शायद बोलते हैं, वो भी ऐड कर सकता हूँ मेरे घर में, वो अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं इस डेफिसिट में नहीं था तब मैं वही खाया करता था। बहुत दिनों बाद खा के बहुत अच्छा लग रहा है। Hey guys, good morning. अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे उठा मैं। एक्चुअली जिम सुबह 7 से 11 तक खुला रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आज का काम खत्म कर दूँ, और शूट करीब 7 बजे शुरू होगा, और उससे 2 घंटे पहले मुझे अपना मील लेना है उसकी तैयारी के लिए। तो जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था तब मेरा वेट लगभग 73-74, उस फर्स्ट वीक का जो एवरेज था वो 74 ही आया था। आज बॉडी वेट एग्जैक्टली 62.70 समथिंग आया। लगभग 11 से 12 केजी मैंने लूज़ किया है। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं ले रहा हूँ वीट पाउडर, नॉर्मली गेहूं को पीस दिया और उसका पाउडर बना दिया, साथ में मैं वे प्रोटीन भी ले रहा हूँ, और इसके बाद सीधा जिम चलते हैं, और फिर मैं आपको अपना फिजिक अपडेट दे देता हूँ। आज एक्चुअली मेरा फोटोशूट भी है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए 2 घंटे पहले खाना ज़रूरी है, ताकि जो टमी है, पेट है, वो ब्लोटेड ना रहे, खाना पहले से ही बॉडी में सिस्टम में पहुंच चुका हूँ। सो मैं अपना मील फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर अपनी कुछ तैयारी करता हूँ, काफ़ी सामान है एक्चुअली आज ले जाने के लिए, सो मिलते सीधा जिम में। क्या हाल है भाई? मेरा अभी फ्यूचर गोल ये रहेगा कि और शेडेड अपने आप को मैं कर लूँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि यार घर के ही खाने में अपने ही चीपेस्ट बजट में कोई बहुत ज़्यादा फालतू का डिफरेंट महंगे प्रोडक्ट्स को बिना कंज्यूम करे ही कैसे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो ये चीज़, ये बेसिक्स कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उनको लगता है ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, इसी से ही आपकी बॉडी बनती है। अब जो मेरा डाइटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, इसके बाद क्या मैं रिवर्स डाइटिंग करूँगा या नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो मैंने फिजिक अपडेट शूट कर लिया, इसके बाद मैं सीधा मैं कुछ फोटोशूट्स कर लेता हूं, और आप फिजिक अपडेट को एंजॉय करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। टेक केयर।